साल 1528 वो समय था जब राम मंदिर गिराकर बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ। इस मस्जिद को मुगल शासक बाबर ने बनवाया था। यही वजह थी कि इसे बाबरी मस्जिद कहा जाने लगा, जिससे अयोध्या में सांप्रदायिक दंगा शुरू हो गया, जिसके चलते भारत सरकार ने इस जगह को विवादित घोषित करके ताला लगा दिया। 6 दिसंबर 1992 का वो दिन था जब हजारों की भीड़ ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। इसके बाद पूरे भारत देश में हिंदू और मुस्लिम दंगे शुरू हो गए। इन दंगों में करीब 2000 लोग मारे गए। जनवरी 2002 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने विवाद सुलझाने के लिए अयोध्या समिति बनाई और फिर फरवरी 2002 में भाजपा ने यूपी चुनाव के लिए घोषणा पत्र से राम मंदिर निर्माण का मुद्दा हटा दिया। 13 मार्च 2002 को सुप्रीम कोर्ट ने विवादित स्थल पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया, साथ ही कहा कि किसी को विवादित भूमि पर शिला पूजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। कई मुश्किलों का सामना करते हुए 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि की 2.77 एकड़ जमीन हिंदू पक्ष को देने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार को 5 एकड़ जमीन मुस्लिम पक्ष को देने को कहा। 5 फरवरी 2020 मंदिर निर्माण के लिए बनाए गए ट्रस्ट का नाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र रखा गया, जिस ट्रस्ट में कुल 15 सदस्य शामिल थे। और 5 अगस्त 2020 वही तारीख है जिस दिन हिंदुओं के आराध्य भगवान श्री राम के मंदिर की नींव रखी गई। इस मंदिर के लिए बहुत लंबा संघर्ष चला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी गई और इसी आधारशिला के साथ ही सभी राम भक्तों में एक उम्मीद जग उठी। 500 सालों के तप के बाद 22 जनवरी दिन सोमवार 2024 एक ऐतिहासिक दिन बन गया है। आज प्रभु श्री राम लला अपने नव्य भव्य और दिव्य महल में विराज चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ संत समाज और विशिष्ट लोगों की उपस्थिति में रामलला के श्री विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक अनुष्ठान संपन्न हुआ है। अवधपुरी में उत्सव सा माहौल है। इसी खुशी में सूर्य वंश की राजधानी अयोध्या धाम के साथ साथ पूरे देश के मंदिरों में राम कीर्तन और रामचरितमानस का पाठ हो रहा है। पूरे देश में उत्साह और आनंद का माहौल है। दुनिया के कोने कोने में बसे भारतीय समुदाय के लोग श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जश्न मना रहे हैं। पूरी दुनिया में जश्न का माहौल है। कहीं रैली निकाली जा रही है तो कहीं राम भजन गाए जा रहे हैं, कहीं आरती पूजा की जा रही है तो कहीं जय श्री राम के नारे लग रहे हैं।